हजारीबाग से दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के पेलावर थाने के गदोखर स्थित बाली बांध तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत का खौफनाक मामला सामने आया है। 5 बच्चे तालाब में नहाने गए थे। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान ही बच्चे तालाब में डूब गए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वो नाकाम रहा है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। अस्पताल में रखी बच्चों की लाश के पास परिजन रो रोकर अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गोलू नाम का बच्चा तालाब में नहाने के दौरान डूब गया था। गोलू को बचाने के लिए तालाब में एक एक करके 4 बच्चियां तालाब में उतरी, लेकिन एक के बाद एक कर 5 बच्चे काल के क्रूर पंजे का शिकार हो गए। मृत बच्चों की शिनाख्त की गई है। गोलू, रिया, काजल, दुर्गा और निविता कुमारी की मौत से इलाके में मातम पसर गया है। अस्पताल में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अस्पताल में भी चारों तरफ बच्चों का नाम लेकर परिजन दुख से चीख रहे हैं। वहीं कटक मनसाड़ी के CO अनिल कुमार ने बताया कि जब वे मौके पर पहुंचे तब कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। कुमार ने बताया कि वे खुद ही बच्चों को निकालने के लिए तालाब में उतरे थे। उन्होंने 5 बच्चों की एक साथ मौत पर दुख का इजहार किया है। वहां पे खाना खाने के दरमियान में हमें पता चला कि वहां से हम भागते हुए वहां से गाड़ी से निकले और जब पानी में देखे तो पूरे बच्चे डूब चुके हैं। और डूबने के क्रम में वहां से जब देख रहे पूरे कोई नहीं दौड़ने के लिए प्रयास किया, पानी में मैं दौड़ते हुए गया। उसके बाद पूरे बच्चे को, पहले 2 बच्चे टच हुआ, दोनों बच्चे को मैंने निकाला। निकाले के क्रम में फिर तीसरा बच्चा मेरा टच हुआ, तीसरा बच्चा को मैं निकाला, फिर चौथे को निकाला, उसके दरमियान फिर 5 बच्चे को निकाला मैंने। बच्चे निकालने क्रम में फिर दूसरे को मैं सारे को मैं अपनी गाड़ी से, कोई वहाँ पर गाड़ी देने के लिए भी तैयार नहीं है, सारे को अपनी गाड़ी, दोनों गाड़ी से मैं भेज दिया यहाँ पे हॉस्पिटल। बाकी तब तक प्रशासन वहाँ पे पहुँच गया। प्रशासन पहुँचने के बाद तुरंत वहाँ से प्रशासन बॉडी को रिकवर कर। वहाँ तालाब वो तो खतरनाक नहीं है, वो मछली पालन का तालाब है, मगर एक्चुअली वहाँ पे लोग कपड़ा धोने का इस्तेमाल में तालाब को करते हैं।